हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज पर। आज है 6 अक्टूबर 2018। 6 अक्टूबर 2018 को करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पैजामा आर फॉर गिविंग किताब की लेखिका कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्विंकल खन्ना। अभी हाल ही में पैजामा आर फॉर गिविंग ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। यह जुगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित की गई एक पुस्तक है। यह ट्विंकल खन्ना का पहला उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अक्टूबर 2018 को भारत और किसके बीच में संयुक्त अभ्यास सहयोग हाफ टैग 2018 चेन्नई तट पर शुरू हुआ है? तो अभी वो हुआ है वियतनाम के बीच। अभी हाल ही में 3 अक्टूबर 2018 को द्विपक्षीय अभ्यास में वियतनाम तटरक्षक जहाज CSB-8001 ने इसमें पहली बार भाग लिया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के स्वामित्व वाले एक जहाज सागर मंजूसा और भारतीय तटरक्षक के जहाज ने भी इसमें भाग लिया है। यह अभ्यास समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने प्रथम चरण में एक्सप्रेस ट्रेनों के 140 रैक को अपग्रेड करने के लिए कौन सी परियोजना लॉन्च की है? तो वो लॉन्च की है उत्कृष्ट परियोजना। बता दें 2 अक्टूबर 2018 को भारतीय रेलवे ने प्रथम चरण में एक्सप्रेस ट्रेनों के 140 रैक को अपग्रेड करने के लिए उत्कृष्ट योजना लॉन्च की है, जिसका प्रमुख लक्ष्य है स्वच्छ रेल शौचालय स्थापित करना, ऊर्जा कुशल LED रोशनी का फिटिंग करना, मुख्य इंटीरियर दरवाजा गैंगवे एवं अंदरूनी शौचालय को स्थापित करना, ब्रेल साइनेज और रात में चमकने वाली यानी साइनिक स्टिकर को स्थापित करना, फर्स्ट AC कोच में LED पैनल, फोटो फ्रेम, बोतल धारकों के नए प्रकार, बड़े आकार के दर्पण लगवाना और पहली संशोधित होने वाली ट्रेन कालका यानी पूर्वी रेलवे की हावड़ा कालका मेल 12312 को इसमें शामिल किया गया इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया के धनी सूची में 2018 में कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो वो रहे मुकेश अंबानी। अभी बता दें हाल ही में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी सबसे अमीर यानी मुकेश अंबानी को लगातार 11वें साल सबसे अमीर भारतीय का नाम दिया गया है। विप्रो के चेयरमैन अजीम प्रेमजी ने दूसरी पोजीशन इस बार हासिल की है। आर्सलर मित्तल के चेयरमैन और सीओई लक्ष्मी मित्तल तीसरे स्थान पर है और हिंदुजा भाइयों ने चौथी पोजीशन इसमें कब्जा किया है और पलोंजी मिस्त्री 5वें स्थान पर रहे हैं इसके फोर्ब्स पत्रिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया गया? अभी हाल ही में वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर को मनाया गया। इस बार की थीम थी शिक्षा का अधिकार, एक योग्य शिक्षक का अधिकार। द राइट टू एजुकेशन मीन्स द राइट टू ए क्वालिफाइड टीचर। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वां राष्ट्रीय खेल 30 मार्च से 14 अप्रैल 2019 तक कहाँ आयोजित होगा? तो बता दें अभी हाल में भारतीय ओलंपिक संघ ने, ये गोवा में होगा, अभी हाल ही में ओलंपिक संघ ने 36वां राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन और समापन समारोह गोवा के पतोरदा में पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा। इस खेल का साइकिलिंग और शूटिंग इवेंट नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इन दोनों इवेंट के लिए गोवा में फैसिलिटी नहीं है, इसलिए इसको दिल्ली में ही आयोजित किया जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल पहली बार बता दें 1924 में आयोजित हुए थे। इसका उद्देश्य 1924 पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का चयन करना था। शुरू में इस खेल को भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था, 1940 में इसका नाम बदल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान उत्सव 2018 किस शहर में 5 अक्टूबर 2018 को शुरू होगा? तो बता दें 5 अक्टूबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान उत्सव 2018 उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया।
इस बार की थीम है बदलाव के लिए विज्ञान, साइंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विज्ञान उत्सव उत्तर प्रदेश 5 अक्टूबर 2018 को शुरू हुआ। यह सम्मेलन 4 दिन तक चलेगा। इस सम्मेलन का उद्घाटन हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। 10,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। पिछले साल ये आयोजन चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मदन भीमराव लोकुर को। और बता दें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मदन भीमराव लोकुर अब राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की जगह ली। मदन भीमराव लोकुर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। वह 64 साल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल की किस अधिकारी को हाल ही में ट्रंप प्रशासन द्वारा अमेरिकी परमाणु विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है? वो किया है रीता बर्नाल को। अभी हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऊर्जा मंत्रालय के महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद पर भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक न्यूक्लियर एक्सपर्ट रीता बर्नाल को नियुक्त करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए कितनी राशि के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर समझौता किया है। वो $5 अरब यानी 4,000 करोड़ रुपए पर साइन, मतलब इतने का समझौता हुआ है। इसका इस सिस्टम से क्या होगा, S-400 मिसाइल सिस्टम S-300 का अपडेटेड वर्जन है। यह 400 किलोमीटर के दायरे में आने वाली मिसाइलों और 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू विमानों को ख़त्म कर देगा। ठीक है, और ये डिफेंस सिस्टम एक तरह से मिसाइल सील पर काम करेगा जो पाकिस्तान और चीन की एटमी क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत को सुरक्षा देगा। यह सिस्टम का एक बार में 72 मिसाइल को दागेगा। यह सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 को गिरा सकता है। वहीं 36 परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर सकता है। चीन के बाद इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने वाला भारत दूसरा देश है। भारत रूस के बीच डील फाइनल होने के बाद अमेरिका ने कहा रूस पर प्रतिबंध लगाने का मकसद भारत समेत अन्य सहयोगी और साझेदारों की सैन्य क्षमता का कमजोर करना। लंबी दूरी की निगरानी रडार दुश्मन की ओर दागी की मिसाइल पर नज़र रख सकता है और कमांड वाहन की जानकारी भी दे सकता है। निशाने की पहचान पुख्ता होने के बाद कमांड वाहन से मिसाइल जांच ली जाती है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। 6 अक्टूबर 2018 को जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंस थे उनको हमने कवर करने की कोशिश की। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।